घर में रहना चाहूँगा। एक बदमाश सोनू शर्मा, ये 376 का आरोपी था, थाना रामपुर से वर्ष 2011 में जेल गया हुआ था और जेल से दीवार फांद करके फरार हुआ था। इसके साथ में एक और गैंगस्टर था जो फरार हुआ था, जो पूर्व में पकड़ा गया था, विकी नाम का। ये बदमाश तब से लगातार एपिसोड कर रहा था। आज 2 नवंबर को इसकी गिरफ्तारी SHO जनकपुरी SK दुबे और SOG के जो प्रभारी हैं विजेंद्र सिंह रावत, इनके नेतृत्व में की गई है। इसके पास से एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इस बदमाश पे 50,000 का इनाम घोषित है और ये लगातार छुप कर के अभी एक मजदूर की ज़िंदगी बिता रहा था। और जैसा कि जानकारी में आया कि जब इन्होंने ये घटना कारित करी थी जिसमें भागे हैं, तो जो जेल में जो चादरें होती हों, जो तहमद होते हैं, उनकी इन्होंने रस्सी बनाई और जो पाइप वाटर पाइप होता है उसको मोड़ करके यू बना करके उसको दीवार के ऊपर फेंका, जो कि अटक गया, और उसका सहारा लेकर के ये दोनों बदमाश फरार हुए थे। लगभग 7 वर्ष के लगातार प्रयास के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। इसके लिए टीम को 50,000 रुपये जो पूर्व से घोषित हैं उसको इनाम देने की घोषणा की गई है।